नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अली खान है और आप देख रहे हैं मल्टी केयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक और स्पीकर के बारे में। जी हाँ, अगर आप अपने माइक से जो भी बोलते हैं वो अपने लैपटॉप में एज ए स्पीकर सुनना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो आप अपने माइक में बोलें और लैपटॉप के स्पीकर को ही अगर आप सुनना चाहते हैं कि जो भी आप बोल रहे हैं वो तुरंत स्पीकर में सुनाई दे, तो उसे हम कैसे सेटिंग करते हैं? उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो कोई एडवांस डिवाइस की ज़रूरत है। बस आप छोटी सी सेटिंग करेंगे और आपका ये काम हो जाएगा। तो मैं नॉर्मल एक माइक यूज़ कर रहा हूँ और लैपटॉप का जो स्पीकर है वही, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल पैनल में जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाते ही आपको यहाँ पे साउंड का दिखेगा, ये साउंड का ऑप्शन है, ठीक है। साउंड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ये कुछ टैब आ गए हैं जो कि है प्लेबैक, रिकॉर्डिंग, साउंड एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हमारा स्पीकर यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट स्पीकर जो मेरे लैपटॉप में है वही है, ठीक है। तो सिंपल आपको रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे मैंने दो माइक कनेक्ट कर रखे हैं, एक तो मैंने एडिशनल यूज किया है और ये लैपटॉप के साथ ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप वाला माइक ऐसे मैंने लिख दिया, क्योंकि बहुत जगह में जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो इसमें कुछ मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि पता नहीं कौन सा माइक चूज़ करना है कौन सा नहीं, तो इसलिए मैंने उसे रीनेम कर दिया, ठीक है। तो मैं एडिशनल वाले को यूज़ करूँगा। तो अगर आपको स्पीकर में सुनना है, जो भी आप बोल रहे हो स्पीकर में सुनना है, तो आपको जो भी डिफ़ॉल्ट आपने जो सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, उस पर आपको राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है, ठीक है। राइट क्लिक देन प्रॉपर्टी, ओके। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको चार टैब दिखेंगे, तो ये चारों टैब को आपको इग्नोर करना है, बस ये दूसरे नंबर का जो टैब है लिसन, इस वाले लिसन पे आपको क्लिक करना है, ओके। लिसन करने के बाद आपको यहाँ पे ये दिखेगा चेकबॉक्स जो कि लिखा हुआ है लिसन टू दिस डिवाइस, ओके। बस आपको सिंपल ये क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक कर दें और इसे अप्लाई करना है। मैं जैसे इसे अप्लाई करूँगा, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे स्पीकर में आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। पता नहीं आपको आवाज़ सुनाई दे या ना सुनाई दे, लेकिन ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब मैं इसे अप्लाई करने वाला हूँ, हेलो, और आप अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो ये काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे लैपटॉप के स्पीकर में सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो इसे ओके कर दें और फिर से ओके। तो जब तक इस सेटिंग को आप चेंज नहीं करेंगे तब तक ये आप इसे यूज कर सकते हैं, जो भी बोलेंगे ये स्पीकर में सुनाई देगा, ठीक है। अगर फिर से अगर इसे हटाना है तो फिर से वही सिंपल स्टेप, रिकॉर्डिंग्स, सब्सक्राइब, प्रॉपर्टी, देन लिसन, और ये इसे अनचेक करके और अप्लाई और ओके। आपको सुनाई दे रहा होगा, अब ये बंद हो गया आवाज़ आना, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा और मेरे चैनल में भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, तो आप इसे रेगुलर देख सकते हैं। और अगर जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ये अगर सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।